गया था पेंसिल लगवाने, तो ये अंदर से नट जो है ना वो टूट गया है, तो अभी फिर इसका ना नट जो है वो तब्दील करवाने चलते हैं। But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज एक्चुअली मैं जा रहा हूँ, टायर का कुछ इशू हो गया है। इशू ये बना है कि कल रात को पंचर लगवाया था, तो उसका जो एक नट है उसकी चूड़ी फंस गई थी, तो वो तोड़नी पड़ी। तो रात को कोई दुकान जो है वो खुली नहीं थी, तो फिर इस वजह से वो ठीक नहीं हो सका। तो अभी सिर्फ उस पर 3 नट लगे हुए हैं, तो फिर अभी चलते हैं जाके चेक करवाते हैं, देखते हैं आज कोई शॉप वगैरह खुली है कि नहीं। तो वो जैसे ही कोई मिलती है तो वहाँ से फिर चेक करवा लेते हैं, तो वो ठीक करते हैं, वरना टायर टेढ़ा हो जाएगा। वो जिसने पंचर लगवाया था वो तो कह रहे थे 3 टायर के साथ, 3 पेज के साथ कोई मसला नहीं है, लेकिन मुझे तो महसूस होता है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। चलो कोई नहीं। उतर रहा था, ये सारा उतरा हुआ है इस तरह, तो अब यहाँ ना पेज लगने लगा ताकि उतरे ना। टायर ठीक करवा लिया है, उसका नट है, अब गाड़ी ज़रा कुछ स्मूथ सी लगती है। पहले थोड़ी सी हिल रही थी, हालांकि उसने कहा था कि 3 नट से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन मुझे एक दिन में ही फ़र्क महसूस होने लग गया था। इस तरह का आपके साथ कभी कोई मसला हो तो उसको ज़रूर टाइमली जो है वो रिप्लेस करवा लीजिएगा, वरना हो सकता है टायर भी टेढ़ा हो जाए और ये इशूज़ जो हो जाएँ वो ज़्यादा आ जाएँ, फिर बाद में मसला जो है वो ज़्यादा हो जाएगा। उससे बेहतर है कि बंदा टाइमली जो है वो काम करके तो मसले को बिगड़ने से पहले ही सॉल्व कर ले। तो चले फिर आज का जो ये छोटा सा व्लॉग था मेरा वो ख़त्म करते हैं। इंशाल्लाह फिर अगले व्लॉग में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।